तो मीटअप के लिए थोड़ी 1000 रुपये मांगता है, कौन मांग रहा है सर? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग थोड़ा भीतर की तरफ आया है। सचंदन बोल रहा था कि कल बाबू भैया इधर ब्लू माउंटेन में रुका हुआ, मतलब बाबू भैया का इंस्टाग्राम में स्टेटस डाला था कि वो मीटअप करेगा बोल के। तो चंदन बोल रहा है कि एक बार चलो देख के आता है ब्लू माउंटेन में है कि नहीं, और जहाँ तक मेरे को मालूम है वो चला गया होगा, मतलब इतना देर थोड़ी रुकेगा। कल पोस्ट किया था स्टेटस 7 बजे करीब, सो अभी तो नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वो बोलता है देखने, अगर बाबू भैया को मिलने का मौका मिल, अगर बाबू भैया मिल जाए तो क्या ही कहना। चलते आगे। चंदन अभी है बाबू भैया यहाँ पर? हाँ, आज कितना बजे होगा मीटअप? कितना बजे होगा? 2 बजे। हाँ, तो मीटअप के लिए थोड़ी 1000 रुपये मांगता है, कौन मांग रहा है सर? एंट्री फीस इसका, ओ अच्छा, ये आपका जो नहाने वाना सब फ्री है, जैसे लगता है ना। हाँ, इधर 500 लगता था नॉर्मल डे पे। 300 संडे को 500 लेते हैं। अरे उसको ठीक है, चलो अच्छा है। कितना बजे आया था वो? काले आए शाम को 7 बजे, वही देखने के लिए। कल शाम को आया था? सो गाइस, कल शाम को बाबू भैया यहाँ पर आया था, अभी अभी इधर ही है। और मीटअप कितने बजे होगा? 2 बजे। सो मीटअप होगा 2 बजे। अभी फिलहाल एंट्री फी के लिए 1000 रुपये चार्ज करेगा। सो चंदन बोल रहे यहाँ रुकने के लिए। बाबू भैया बाइक वाइक कहाँ रखा है? कौन सा लेके आया, S2 लेके आया क्या? सो गाइस, अभी बाबू भैया S2 भी लेके आए और थार भी लेके आए और BMW S1000RR भी लेके आए। मतलब समझ लीजिए ना, आपको होटल वाला ही ये करता है कि ऑफर देता है कि आप यहाँ पे आके रुकिए, सारा मैनेजमेंट मैं करूँगा, लेकिन उसका भी बेनिफिट होटल वाला को मिलेगा ही। सो फाइनली मैं और चंदन पास लेके अंदर की तरफ चले गए। अंदर में जोरों शोरों से म्यूजिक चल रहा था, इसलिए कॉपीराइट का झमेला आएगा बोल के मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो कुछ देर बाद बाबू भैया बार की तरफ आए, उस टाइम लगा कि बेकार ही पास ले लिया, अगर बार भी रहता तो बाबू भैया मिल ही जाता। व्लॉग क्यों कर रहे हैं? क्यों? आराम से। सो गाइस, ये है बाबू भैया का बॉडीगार्ड और चंदन को व्लॉग करने नहीं दे रहा था ये, पता नहीं क्यों। हो गया ना? होने दो। एक फोटो भैया, भैया को फोन दे, भैया को फोन दे, भैया को फोन दे, जाता फोटो, भैया को फोन दे। और गाइस, बाबू भैया ने सबके साथ फोटो लिया, सेल्फी लिया, सबसे प्यार से मिले, और मेरे को बाबू भैया से मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बाद भी ज़रा सा भी घमंड नहीं है गाइस। सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। अभी क्लिप, बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।